व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रॉप इन। पर इसमें हम दिखाने वाला टाउन 13 का अटैक स्टडी जो है येटी बॉलर स्मैश विद अर्थक्यूक स्पेल। ओके, काफी ओपी अटैक है। हमारा जो नंबर वन का बनता था ना भाई, जो सो में सोबिनॉट है, जो भी बोलो, इसने यार अभी तक तीन अटैक्स किया वार 1, 2 और 3 में। तीनों बेस पर इन्होंने ट्रिपल स्टार मारा है, मतलब ट्रिपल के ट्रिपल। ओके, तो यहाँ पर इसने नंबर वन पर अटैक किया। ओके, और जितने भी यहाँ पर तुम्हें बेसेस दिख रहे हैं ना भाई, सारे के सारे टाउन 13 है, अपना सारे के सारे मैक्स आउट है। इसमें कोई भी भाई अंडर अपग्रेड टाउन 13 नहीं है, और उनके हीरोज भी मैक्स आउट, सब चीज़ मैक्स आउट है। तो मैं आपको अटैक दिखाने वाला हूँ सोम की, जो अटैक इसने इस्तेमाल किया। उससे पहले चैनल पर नहीं हो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बाजू वाला बेल आइकन दबा दो, वीडियो पर लाइक कर दो, और हाँ भाई जितना उसको उतना शेयर कर दो। और एक और बार, हमने टाउन 13 की पिछली बार भी अटैक बनाई थी, वो थी आई थिंक ड्रैग बैट अटैक था, ड्रैग बैट अटैक था, जाके चेकआउट कर लेना, ये वाली वीडियो है। और प्लस अगर तुमने अभी तक गोल्ड पास गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जाके करो यार भाई, जाके पार्टिसिपेट करो, काफी यूनिक सिस्टम है इस बार गोल्ड पास का। ओके, तो मैं अटैक करता हूँ नंबर वन से, जो सोम ने अटैक किया था। तो चलो प्रोसीड करते हैं भाई, बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले ये बेस को देख लो, मैक्स आउट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बेस को, टोटल मैक्स आउट जो आपको लेजेंड से बेस मिलते हैं उस टाइप की है। और प्लस तुम लोग यहाँ पर ट्रूप्स कंपोजिशन देख लो, सबसे पहले जो मेन कंपोजिशन है यहाँ पर, इसके पास 6 येटी है और 9 बॉलर्स है, प्लस इसके पास 5 हीलर है। ओके, मेक श्योर हीलर रखना। अब बाकी इसके फाइनली का क्लीनअप ट्रूप्स है, जो आपको 6 लूनस है, 2 वॉल ब्रेकर्स है कंपार्टमेंट ओपन करने के लिए, 1 बेबी ड्रैगन, 3 विजर्ड, और यहाँ पर ब्लिंप है। ब्लिंप के अंदर एक्चुअली है क्या, सबको पता होगा भाई, येटी है, येटी से भाई, अगर ब्लिंप आपके पास होना, इसके अंदर येटी हो और उसके बाद रेस डाल दो टाउनल के ऊपर, तो भाई टाउनल बच नहीं पाएगा, टाउनल इज इजली स्मैश्ड। ओके, मतलब एक सेफ 2-स्टार तो मिलती है, बट ट्रिपल भी हो सकती है। और बाकी स्पेल्स में इसका 4 आउट की स्पेल है, क्योंकि अगर कोर्ट की कंपार्टमेंट खुल गई ना भाई, तो येटी सब बॉलर्स के लिए तो भाई स्मैशिंग होने वाला, टोटल बेस को खत्म कर देते हैं। और प्लस इसके पास 1 जंप स्पेल है, अगर कुछ कंपार्टमेंट बच गई तो भाई जंप स्पेल उस कंपार्टमेंट को खोल देगा, टोटली खत्म कर देगा। और इसके पास 3 रेस है, मतलब रेस की कमी नहीं है, 1 रेस आपके पास टाउन हॉल पर रहेगा और 2 रेस बीच में रहेगा कॉर्नर बेसिस पे, बॉटम पे, जहां पर बेसिस को स्मैश करने के लिए बॉलर्स ऑलमोस्ट रेडी रहने वाली है। चलो अटैक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ के पोजीशन देख लो, यहाँ पर 2 स्कैटर शॉट है, ये रही गल, ये अपना ये टाउन हॉल है। तो अटैक कहाँ से स्टार्ट होता है, ये टॉप ड्रॉप से, यहाँ पर इसने अपना, यहाँ पर देखो वार्डन को ड्रॉप किया, आई थिंक ये वार्डन वॉक करने वाला है। ओके, और साइड से यहाँ पर सीज बैरक, इसने इस बार सीज बैरक लिया, मतलब इस टाइप का अटैक्स होना, कभी आप सीज बैरक ले सकते हो, कभी आप कभी ब्लिंप भी ले सकते हो, बट इस टाइप की टाउन हॉल जो आई थिंक साइड में है, तो इस टाइप की बेसिस में आई डोंट थिंक आपको ब्लिंप चाहिए होगा, आप बस एक फनल अगर क्रिएट करते हो तब इजली स्मैश कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मतलब आप बेसिस के हिसाब से इस्तेमाल करो, आपको मैं 2-3 बेसिस दिखाऊंगा कि किस टाइप के बेसिस वो किस कैसे अटैक करते हैं, तो आप समझ पाओगे इजीली। तो यहाँ पे वार्डन वॉक पे ध्यान देने का, ओके भाई वार्डन वॉक पे ध्यान दे, और इसने अपने जंप स्पेल टाउनल के ऊपर डाली, और यहाँ पर देखो कोर की जो वॉल्स थी उसने खत्म कर दी अर्थक्विक स्पेल से। यहाँ पर किंग गया और येटी गई, और प्लस सारे के सारे बॉलर्स एंड लून्स जाने वाले हैं, मतलब बस अब जितने भी ट्रूप्स हैं भाई डाल दो आप, उसके बाद मैजिक देखो यहाँ पर, ओके क्या एक्चुअली सीन होता है। यहाँ पर देखो लून्स भी देख रहे हैं भाई, लून्स क्या काम कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा वार्डन की एबिलिटी था वो इस्तेमाल हो चुका है, यहाँ पर देखो स्कैटर शॉट कुछ नहीं कर पाया भाई, स्कैटर शॉट इज गॉन। और यहाँ पर जो आई थिंक काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है भाई, अगर सीसी से हमारा सुपर मिनियंस निकल जाए, तो भाई ये प्रॉब्लम बेसिकली क्वीन वॉक में होता है, बट इस टाइप के अटैक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। यहाँ पर देखो भाई यार, जो मिनियंस है ना भाई, वो हो या ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इजली स्मैश कर दोगे येटी, मतलब अगर सुपर मिनियंस येटी को अगर टारगेट भी करे ना भाई, जो येटी मार्च है ना, वो ऑब्वियसली यार एयर ट्रूप्स को भी टारगेट कर देता है, तो बेसिकली मिनियंस तो गए। और यहाँ पर देखो भाई आरसी को देख सकते हो अपने राइट लेफ्ट हैंड साइड के तरफ, जहाँ पर वो क्लीनअप कर रही है, और बेस इज खत्म यार। यहाँ पर येटीज कितने बचे हुए, बॉलर्स देख रहे हो भाई लेफ्ट राइट हैंड साइड के बॉटम पे कितने ज़्यादा हैं, और बेस कुछ बचा नहीं है भाई, बेस इज खत्म, दिस बेस इज गॉन। यहाँ पर अभी भी इसकी क्वीन कैपेबिलिटी बची हुई है, प्लस आरसी कैपेबिलिटी बची हुई है, तो भाई और क्या चाहिए तुझे। ओके, इसने यहाँ पर आरसी कैपेबिलिटी इस्तेमाल कर दी, बट स्टिल दिस बेस इज गॉन। यहाँ पर इसके पास आई थिंक 4 या 5 येटी है, आई थिंक ये हेल्प करेगा, और क्वीन की तो एबिलिटी बची हुई है, और क्वीन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है टॉप में, एंड आई थिंक वो आ रही है यहाँ पर, उससे रहा नहीं गया कि हम डिफेंसेस नहीं तोड़ेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पर स्मैशिंग चल रहा है, एंड आई थिंक दिस बेस इज गॉन यार। इस टाइप के बेसिस में आपको और दिखाता हूँ कि आपको हर एक टाइप के बेसिस पे कैसे अटैक करना है, तो आप इजिली येटी बॉर्डर स्मैश कर सकते हो विथ क्वीन वार्डन वॉक के थ्रू एंड अर्थक्विक स्पेल अगर आपके पास हो तो। मतलब पहले जो हम विच स्लैप करते थे ना भाई, उस टाइप के अटैक ये स्टार्ट होने वाली है। ओके, ये रही एक परफेक्ट ट्रिपल। तो आपको नेक्स्ट अटैक दिखाता हूँ, जो सोम ने अटैक किया था, ओके सेम बंदे का अटैक दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले भाई अगर सेम बंदा भाई हर एक बेस पर कर सकता है ट्रिपल, तो सोच सकते हो ना भाई, ऑब्वियसली यार। तो सोम ने किस पर अटैक किया था, नंबर 3 पे, यहाँ रही नंबर 3, ये देखो सारे के सारे 100% अटैक्स है। तो यहाँ पर इस टाइप की बेसिस आने वाली है,
इस टाइप के कंप्रेस वॉल्स में ना आप अर्थक्वेक स्पेल अगर ड्रॉप करते हो तो कंपार्टमेंट इजिली ओपन हो जाती है। यहाँ पर देखो, अगर ये बंदा यहाँ पर अर्थक्वेक स्पेल ड्रॉप करे तो ऑब्वियसली ये सारे कंपार्टमेंट्स खुल जाएंगे। और एक जंप स्पेल है इसके हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, इसने फिर से यार यहाँ पर वार्डन वॉक स्टार्ट किया। काफी लोग सोचते हैं भाई यहाँ पर लून क्यों ड्रॉप किया जाता है। भाई हीलर्स ड्रॉप करने से पहले एक लून को ड्रॉप किया जाता है इसलिए ताकि अगर सीकिंग एयर माइंस हो या फिर कोई भी एयर ट्रैप से तो वो लून्स को ट्रैगर करे, आपके जो हीलर है उसको ट्रिगर ना करे, इससे आपके अगर हीलर्स बच जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इजिली आई थिंक काफ़ी अच्छा चल रहा है बंदा। यहाँ पर इसने भी फिर से एक लून ड्रॉप किया ताकि इसके बेबी ड्रैगन ना मरे। इसने यहाँ पर भी सीज बैरक इस्तेमाल कर दिया ऑब्वियसली। ओके, इस टाइप के बेसिस में आपको ब्लिम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टाउन कॉर्नर पे है। यहाँ पर आप जंप स्पेल से एंड आई थिंक कॉर्नर के बेसिस, जैसे मैंने कहा था भाई, अर्थक्वेक स्पेल से आप ये सारे कंपार्टमेंट्स को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लो काफ़ी अच्छा क्लीनअप हो रहा है एंड आई थिंक आप सारे यटीज एंड लून्स एंड बॉलोस को ये देखो बॉटम में डालने वाला है बंदा। ये देखो यटी गई, क्वीन गई, लून्स गई और बॉलर्स गई और किंग कहाँ है इसके बंदे का। ओके, किंग जा चुका है, इसने फाइनल में ग्रेट किया था और यहाँ पर ईगल एक्टिवेट हो चुकी है। बट स्टिल यहाँ पर वार्डनिंग एबिलिटी इस्तेमाल होगा, टाउनल जाने वाली है। ओ भाई टाउनल गई, कोई भी ट्रूप्स को नुकसान नहीं हुआ और यहाँ पर बस यार बस खत्म, कंपार्टमेंट ओपन हो चुकी है भाई कोर की। और क्या चाहिए यार, एक बार कंपार्टमेंट कोर की ओपन हो गई ना तो कोई भी बेस को स्मैश कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बॉलर्स येट स्मैश इज गोइंग ओपी ब्रदर, मतलब सीसी ट्रूप्स को ना आपको चिंता टेंशन नहीं लेना। ओके, दूसरे अटैक्स में हाइब्रिड में मैं खुद इस्तेमाल कर रहा था, मुझे खुद टेंशन लेना पड़ता था। ओके, बट मैं स्टिल अभी दूसरे अटैक्स भी ट्राई कर रहा हूँ, लाइक आई मीन सुपर मिनियंस ट्राई कर रहा हूँ और प्लस हमारा एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है पीका स्मैश ट्राई कर रहा हूँ मैं, और ये टी स्मैश भी, ये भी काफ़ी मस्त है। तो मैं आपको डिफरेंट अटैक्स ला के दिखाऊंगा कि कैसे आपको कर सकते हो, क्योंकि भाई हाइब्रिड में ना मैं अभी ट्रॉफी पुशिंग कर रहा था तो ऑलमोस्ट मैं 5400 तक गया, उसके बाद मेरी ट्रॉफी नीचे जाने लगी यार। क्वीन मतलब हाइब्रिड इतनी ओपी नहीं है भाई 5500 के ऊपर, उसके ऊपर आपको चेंज ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं चेंज करना पड़ेगा मुझे भी। और ये देखिए भाई खत्म बेस, यहाँ पर क्या डिफेंसेस बचा हुआ है, जितने भी डिफेंसेस ना मेजर वो कोर में थे भाई और बाकी के डिफेंसेस जा चुके हैं। मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, 4x में यहाँ पर देखो इसके येटिस कितने बचे हुए थे, जो फर्स्ट वाले अटैक में तुम लोगों को दिखाया था ना भाई, उसमें भी येटिस काफ़ी बचे थे, देखना आपने। तो यहाँ पर देखो खत्म यार, कुछ नहीं करना है, बैठ के बस रिलैक्स करो और अपने ट्रूप्स को डालो बस। उसके बाद मैं आपको थर्ड डे वाली अटैक दिखाता हूँ, ये थर्ड डे, फिर सोम की अटैक दिखाने वाला हूँ। दूसरे बंदे भी किया था बट मैं आपको सोम को दिखाऊंगा। ये देख सोम ने अटैक किया था, सोम के बेस पे ट्रिपल हो चुका है बट इसने भी ट्रिपल किया था, नंबर 6 पे किया था इसने, ये रहा इसका नंबर 6। ओके, ये रही बेस, फिर से यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप के बेसिस आप इजिली यार अर्थक्वेक स्पेल से खोल सकते हो और प्लस आपका जो जंप स्पेल है वो काम करेगा। यहाँ पर देख सकते हो सारे चीज़ आ चुकी है और प्लस यहाँ पर इसके पास फिर से सीज बैरक है और यहाँ पर लेट्स सी क्या होता है। बेबी ड्रैगन इसने ड्रॉप किया और एक साइड में अपने सीज बैरक को ड्रॉप करेगा, एक बार अच्छे से फाइनल क्रिएट हो जाए तो। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी क्लीनअप चल रही है, एक फाइनल क्रिएट हो जाए और यहाँ साइड में देखते हो बॉलर्स को ड्रॉप करके इसने अपना सीज बैरक को ड्रॉप कर दिया और सीज बैरक काफ़ी अच्छा काम करने वाली है एक क्लीनअप करने के लिए। हमें एक फाइनल क्रिएट करते हैं, इसके बाद जितने भी ट्रूप्स हैं भाई वो बेसिकली इस कोर में जाएंगे, जंप स्पेल यहाँ पर इस्तेमाल होगा और जो अर्थक्वेक स्पेल है वो इस कॉर्नर में इस्तेमाल होगा ताकि बेसिस के सारे मतलब एक कंपार्टमेंट खुल जाए अच्छे से। यहाँ पर वार्डन देख सकते हो, वार्डन थोड़ा डिवेट हो चुका है, इसके वहाँ पर नहीं जाना था, इसे यहीं पर जाना चाहिए था बट स्टिल अगर वहाँ पर गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर टाउन हॉल के पास जा रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि हमारे यटीज एंड बॉलर्स एंड बाकी को सेव कर लेगा ये जब वो स्मैश होगा। यहाँ पर सीसी में निकल चुकी है ट्रूप्स लावा हाउंड, बट आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम देने वाली है क्योंकि भाई येटीज में लावा हाउंड भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं देता, क्योंकि भाई जो येटी माइट से वो ऑब्वियसली एयर ट्रूप्स को भी टारगेट करता है, तो बेसिकली वो जितने पप्स निकलेंगे वो सारे को टारगेट ट्रिगर कर, यहाँ पर देखो वो येटीज ट्रिगर कर देगा येटी माइट्स। यहाँ पर देखना इसने पॉइजन स्पेल भी ड्रॉप कर दिया एंड आई थिंक वो ट्रिगर कर चुका है। यहाँ पर देखो ये इतने पप्स बचे हुए नहीं है और यहाँ पर बेस खत्म यार, भाई बेस खत्म, दिस इज गॉन। इसके पास अभी भी एक रेज स्पेल बचा हुआ है, आई डोंट थिंक सो जरूरत भी पड़ेगा क्योंकि इसके पास क्वीन की एबिलिटी है बट स्टिल यहाँ पर इस्तेमाल किया एंड आई थिंक मल्टी गन और यहाँ पर बची हुई ईगल, बट ईगल क्वीन टारगेट ट्रिगर कर देगी क्योंकि क्वीन के पास अभी भी एबिलिटी बची हुई है और प्लस आरसी की एबिलिटी बची हुई है। यहाँ पर तुम लोगों ने ध्यान दिया आरसी बची हुई है, आरसी को इसने अभी तक यहाँ पर बची हुई है, लेट्स सी आरसी की एबिलिटी बची हुई है, आई थिंक हेल्प करेगी और ये बेस भी ट्रिपल होने वाला है विदाउट एनी डाउट्स। मतलब इस टाइप के काफ़ी सारे अटैक्स है। ओके, मैं आपको कंटिन्यूसली टाउन 13 के अटैक्स लाते रहूँगा, बहुत सारे अटैक्स है भाई, तो मेक श्योर गोल्ड पास गिवअवे में पार्टिसिपेट कर लेना। ओके, मेक श्योर उसमें मैंने थ्री यूनिक सिस्टम डाली है तो एक बार चेकआउट कर लेना, उससे भाई चीटिंग नहीं होगा। जो मतलब इस बार के जो गोल्ड पास है ना भाई वो अपने लक के वजह से नहीं, आप अपने मेहनत की वजह से जीत सकते हो। इस टाइप की मैंने गोल्ड पास गिवअवे में चीज़ डाली है। ओके, तो मैं 4x में डाल रहा हूँ, बेसिस खत्म यार, बहुत सारी बेसिस है। ओके, मैं आपको कंटिन्यूसली लाते रहूँगा। आई थिंक सोम जो अपकमिंग वार्स है एंड आई थिंक अभी नंबर डे 3 चल रहा है ना, डे 4 में भी वो ट्रिपल मारने वाला है। मतलब इस ये अटैक ना काफ़ी ओपी है, कोई बेस को ट्रिपल मार सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे ट्रिपल्स हमने अपोनेंट के बेसिस से मारी है। ओके, तो काफ़ी अच्छी अटैक्स थी। ओके, एक बंदे ने मेरे बेस पर भी मारा था डबल स्टार,
चलो और यहाँ पर किसने मारा था, आइए पारसा। ओके सो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन पीस आउट एंड क्लास ऑन।